मैं हूं केर वाला सवन्या, तो स्वागत है आपका सब्सक्राइबर बैटल की एक और गेम प्ले वीडियो में। भाई एक तरफा ब्लेड गेमिंग की टीम रोमन ने कोटी रोड रैंडी ऑर्टन, ये ऐसा लग रहा है भाई कल वाली टीम रिपीट कर दी है। केवल कोटी रोड रैंडी ऑर्टन एक टीम में थे और रोमन अलग टीम में थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैच में मजा आना चाहिए। और अपोनेंट टीम में सेथ फ्रीकिंग डॉली ट्रिपल एच स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ये टीम है ब्लैक क्रिमिनल्स की। फटाफट से मैच को शुरू करते हैं और नेक्स्ट फाइट के लिए अपनी भी टीम कमेंट कर दो फटाफट से, और लगे आज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जैसे ही आपकी टीम की फाइट है फटाफट से आपको पता लग जाए। भाई रोमन और सेथ पुरानी दुश्मन है, पुराने दुश्मन। सेथ जा रहे थे स्टॉर्म के लिए, लेकिन रोमन ने मौका नहीं दिया, क्योंकि रोमन तो उसमें का प्लेयर है भाई, वो दो मौका देने वाले का है, वो मौका बनाने वाले हैं भाई। भाई सुपर फिनिशर देख रहे हो, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, रोमन ने, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, ट्रिपल एच, सभी की बात चमक रहा है भाई। पांच पांच सुपर फिनिशर है मैच में भाई साहब, गजब सुपर फिनिशर। अगर सेथ रॉलिंस लगा देना तो मजा आ जाए भाई, तो जिंदगी जो झंड है वो सही हो जाए भाई, मजा आ जाना। ये क्या फिनिशर लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये सुपर फिनिशर तो नहीं है, ये सुपर फिनिशर है भाई साहब। भाई साहब आज हम मैच तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वैसे ही निकाल गई, क्योंकि रोमन का हेड ऑरेंज हो चुका है, टीम से रोमन गया, मतलब आज ही टीम हार गई। भाई साहब सेथ ने तो कमाल ही कर दिया भाई। कोटी के पास भी सुपर फिनिशर है और ऑर्टन के पास भी है, तो आप ये ना समझो कि इधर ही भाई टीम एक ही बेकार हुई है, दूसरी टीम भी बेकार हो सकती है, पर ट्रिपल एच के पास भी सुपर। ओ रोमन जाते जाते अपना कमाल दिखा के ही जाएंगे, मानने वाले नहीं है भाई वो। हाँ ठीक है, मुझे लगा भाई पिनफॉल ने करा लिया, सेथ पिनफॉल नहीं कराना है, और सेथ जा रहे हैं, रोमन जा रहे हैं टैग देने, रोमन का सबसे सही डिसीजन है। पर अभी कोटी के पास भी सुपर फिनिशर है, तो सेथ को भी भाई संभल के चलना पड़ेगा। अगर कोटी का सुपर फिनिशर आ गया तो मैच जो है वो बराबरी में आ जाएगा, और सेथ भाई टैग दे दो अब, क्योंकि तुम्हारे पास कोई फिनिशर है नहीं, तो फालतू का टाइम पास करने से बढ़िया भाई टैग दे दो तो ज़्यादा ही बढ़िया। और कोटी अगर सुपर फिनिशर लगा देता है, कोटी जाएगा ना क्लोज लाइन, ठीक है कोटी कोई दिक्कत नहीं है। और फंसा के पिनफॉल, सेथ चलाकी दिखा रहे हैं भाई, सेथ चलाकी काम आने वाले नहीं है कोटी के सामने, और सुपर फिनिशर तो नहीं है ये नॉर्मल फिनिशर है भाई। चलो कोई बात नहीं नॉर्मल फिनिशर से काम चला लेंगे, पिनफॉल तो नहीं होगा भाई। इस रेजिलेंस से लेके सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की हेड ऑरेंज हो चुका है, एक स्पीयर और एक क्रॉस रोड्स में ये भाई रह गया, ये रिवर्स कर दिया भाई सेथ ने, ये सिग्नेचर में पेडिग्री लगा रहे थे कोडी रोड्स की, रिवर्स हो गई। और सेथ के पास भी फिनिशर सिग्नेचर आ चुका, फिनिशर भी जल्दी ही आने वाला है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेथ यार टैग दे दो, वो फिनिशर भी आ गया, कोडी को फिनिशर अब टैग देने या भाई फिनिशर बनाने के बाद टैग देने जा रहे हैं। और द गेम ट्रिपल एच इन द रिंग भाई साहब, गजब। और ट्रिपल एच भाई रनिंग नी, ट्रिपल एच तो भाई मानेगा नहीं, वो पेडिग्री लगाए बिना तो मानने वाला नहीं है। और ट्रिपल एच भी यार अपने टाइम का मतलब गजब सुपरस्टार है, और सीईओ बनके तो ट्रिपल एच ने गजब ही डा दिया भाई। स्टेपनी पटा ली, स्टेपनी से शादी करके भाई सीईओ बन गए WWE की ट्रिपल एच, गजब गेम खेला भाई बंदे ने जीवन में। एक फिनिशर रिवर्स हो गया, कोई दिक्कत वाली नहीं है, मुझे लगा भाई पेडिग्री जा रहे हैं कोटी, लेकिन कोटी के पास नहीं है सिग्नेचर नहीं है, तो पेडिग्री लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ट्रिपल एच लगा सकते पेडिग्री, दो फिनिशर है, और ये भाई ये भी फिनिशर रिवर्स हो गया, तो ट्रिपल एच भी कम नहीं है। ट्रिपल एच आई थिंक पेडिग्री जाना चाह रहे थे, फिर से रोमन के पास स्पीयर, कोटी को छोड़ो, रोमन है लीगल प्लेयर भाई, ट्रिपल एच और द गेम तो देख ही नहीं रहे भाई, ये मूव रह गया, ऑफ पेडिग्री लग गए, मुझे लग रहा रोमन को भाई साहब ये भी रिवर्स हो गया। आज लग रहे हैं ट्रिपल एच का दिन सही नहीं है भाई, बैक टू बैक दो पेडिग्री रिवर्स हो चुकी है। और फिनिशर ले आए हैं रोमन अपने पास, रोमन के पास सुपर फिनिशर है, और मुझे लगा ये सुपर फिनिशर के लिए जा रहे हैं रोमन, लेकिन ट्रिपल एच भी भाई कम नहीं है, ट्रिपल एच का रिवर्सल भी रिवर्स कर दिया भाई रोमन तो गजब ही सुपर स्टार है भाई, कोई मुकाबला ही नहीं है WWE भाई इस समय तो। और ऑस्टिन भाई साहब, ऑस्टिन स्टनर का जो जादू अगर चलता, लेकिन उससे पहले ऑस्टिन अभी तो पिट्टे नजर आ रहे हैं। रोमन के पास अभी भी सुपर फिनिशर है, तो रोमन सुपर फिनिशर लगाओगे क्या,
अगर लगा देते हो तो मजा आ जाएगा। रोमन और सैथ एक ही कश्ती के सवार है भाई, दोनों की रेजिलेंस जा चुकी है, दोनों के फिनिशर लग चुके हैं, लेकिन रोमन के पास अभी भी सुपर फिनिशर है। चलो कम से कम भाई स्टोन बोल्ट तो चल रहा है, ऑस्टिन एक प्लेयर तो चले ताकि मैच में मजा आए। ये सुपर फिनिशर लगा भाई, भाई 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 ये सुपर फिनिशर लग गया। कैमरा कट ऑफ है क्या भाई? सुपर फिनिशर का वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंटेशन ऑप्शन, कैमरा कट्स ऑफ है भाई। एक बार फिर से चेक कर लेते हो, रिंग साइड कैमरा का जैम कैमरा, पोस्ट मैच रिप्ले नहीं चाहिए अपने को, ब्रेकआउट रेट चाहिए, ठीक है अब ठीक है। तो ऑस्टिन भाई मामला बराबर हो गया, ऑस्टिन को भी सुपर फिनिशर लगा, तो अब दिक्कत वाली बात है भाई, अब ठीक आ रहा आपके, वो पहले केवल दूर दूर से दिखा रहा था, कैमरा कट ऑन है तो पास पास से भी दिखाएगा। भाई साहब रैंडी ऑर्टन को तो मैं भूल ही गया, आर के ओ आउट ऑफ नोवेयर, कब आता है कैसे आता है ये तो रैंडी ऑर्टन ही जानते भाई, इनके अलावा कोई नहीं जानता आर के ओ कैसे आने वाला है, और कोई बताओ कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता भाई। मैं रिंग के बाहर क्यों मार रहे हो ऑर्टन, अंदर ले जाके मारो भाई तभी मजा आने वाला है। ऑर्टन रिंग के बाहर आर क्यों लगाना चाह रहे हैं? ऑर्टन नहीं भाई, ऑर्टन ने रिंग के बाहर आर क्यों लगा दिया भाई साहब। ऑस्टिन का हेड येलो, बॉडी ऑरेंज, तो लग रहा है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ट्रिपल एच ऑस्टिन जीतने की उम्मीद में लिख नहीं रहे। और भाई पांच तक काउंट है तो मुझे ऑर्टन बाहर ही एलिमिनेट कर देंगे भाई, ऑस्टिन गए मुझे लग रहा है, अगर नीचे कोई नहीं उतरा तो ऑस्टिन गए, गए ऑस्टिन को एलिमिनेट भाई, ये तो फ्री में चला गया बंदा, पेडिग्री लगा दी। रोमन भी जाता तो मजा आ जाता भाई, लेकिन रोमन इज एलिमिनेट नहीं हुए, रोमन का हेड ऑरेंज बॉडी येलो, तो अभी तो बहुत मैच बाकी है। और एक और स्टॉर्म भाई, ये गजब है, ये गजब, ये रोमन एलिमिनेट हो मेरे भाई, रोमन हेड लाल बॉडी और रोमन तो जाने की फिराक हो, ये पिनफॉल अगर ऑर्टन बचा ना था, ओ भाई साहब रोमन ने किक आउट कर दिया। और नीचे कोटी पिट रहे भाई, कोटी की हालत बुरी कर रखी है नीचे ट्रिपल एच ने, ट्रिपल एच सही है बढ़िया, एक सिग्नेचर लगा के आ गए स्पाइन बस्टर, और एक फिनिशर, और ऑर्टन के पास अभी भी एक फिनिशर है तो लगा सकते हैं, ट्रिपल एच को टैग देंगे क्या, डबल टीम अटैक आई थिंक, हाँ डबल टीम अटैक, ठीक है रोमन को जाना बहुत जरूरी है, अगर ब्लैक क्रिमिनल्स की टीम को जीतना है तो रोमन का जाना बहुत जरूरी है। और ट्रिपल एच भाई रोमन फिर से रिवर्स कर दिया, रोमन यार कितना रिवर्स करोगे मेरे भाई, और ट्रिपल एच का दिन तो आते को वैसे ही सही नहीं है, ट्रिपल एच की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी मैंने, तो जिसकी ज़्यादा तारीफ कर दो भाई उसके दिमाग वैसे ही चढ़ जाते हैं। रोमन बुरी तरह ढूंढते हो भाई, रोमन आज फुल फॉर्म में आया, आते आते सुपर फिनिशर जरूर लग गया था, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है रोमन ने वो गजब है। ऑटम फिर से आरकेओ आने का विचार है मेरे हिसाब से, और आरकेओ आएगा, बिना आरकेओ के मजा भी नहीं है भाई फाइट में। ओ देख रहे हो 4.5 स्टार की रेटिंग अभी से हो चुकी है, आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, मैंने क्या बोला, कहां से आरकेओ कैसे लगेगा किसी को पता नहीं है सिवाय ऑटन के। ट्रिपल एच की बॉडी ऑरेंज, हेड ऑरेंज, और बुरी तरह ढूंढते हो भाई, ट्रिपल एच का दिन तो आज बिल्कुल पिटने वाला देख रहा है मुझे, और जबकि आप परसों या तरसों वाली वीडियो में देखो ना तो ट्रिपल एच भाई गजब परफॉर्म किया था, ट्रिपल एच ने अकेले दम पे मैच निकाल के ले गए थे, ट्रिपल एच की भी रेजिलेंस गई। एक और आर के ओ ऑर्डर के पास, एक और आर के आउट ऑफ नोवेयर, ट्रिपल एच एलिमिनेट भाई, गई टीम, गई टीम, गई, अब तो कुछ बचना नहीं है भाई, ऑर्टन एलिमिनेट तो नहीं होने वाले हैं भाई, क्योंकि पहला ही फिनिशर लगा, तो इधर से टैग वाली जो गेम खेला ना रोमन की टीम वालों ने वो सबसे सही खेला, उस वजह से सबको अलग अलग फिनिशर लगे। अब सेथ को भी एक ही फिनिशर लगना, उसके बाद टाटा बाय बाय सेथ का भी हो जाएगा, बचना नहीं है भाई, सेथ कम से कम एक एलिमिनेशन और करके जाओ भाई, क्योंकि ऑर्टन कोडी और रोमन एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ इस समय, तो सबसे जो एलिमिनेशन के पास है वो है रोमन, पेडिग्री लगाने से कुछ नहीं होने वाला भाई, जाने वाला नहीं है ऑर्टन, क्योंकि एक सिग्नेचर एक फर्नीचर में ऑर्टन टाटा बाबा नहीं बोलेगा, रेजिलेंस चली गई ऑर्टन की, यही बड़ी बात है भाई, सेथ नहीं मानेगा, एक फिनिशर और, ये रिवर्स हो गया, ये गड़बड़ हो गया भाई,
और एक आरके और आया, आरके आउट ऑफ नोवेयर। मैंने क्या बोला, रैंडी ओटन के सामने टिकना बहुत मुश्किल है भाई। तो नेक्स्ट फाइट के लिए भाई अपनी अपनी टीम कमेंट कर दो फटाफट से। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।